करते हुए कृपया एक ही भजन प्रस्तुत करें। रांची के हरमू मैदान में सरना प्रार्थना सभा और धर्म महासम्मेलन का आयोजन आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आदिवासी महिला है और उनसे सीधे जानते हैं कि जो धर्म सम्मेलन हो रहा है और प्रार्थना सभा हो रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है और किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ इंदु तिर्की, हेहल पहाड़ टोली रांची के रहने वाले हैं। हाँ। ये बताइए कि अभी जो आप जो आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज कर रहे हैं, क्या कुछ रीति रिवाज है, इनके बारे में बताइए। रीति रिवाज हम लोग का है ना, कोई आते हैं, धर्म गुरु है, धर्म बाबा है, उन लोग को पैर धोते हैं, बड़ा लोग को, बाहर से आते हैं उसको स्वागत करते हैं पैर धोते हैं। अगर हम लोग किसी के घर जाते हैं मेहमानी तो कासा थारी कासा लोटा में हम लोग को नियम है देते हैं हम लोग आदिवासी। ये बताइए कि अभी जो आप लोग धर्म सम्मेलन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं। हम लोग सरकार को बता रहे हैं, हम लोग को चाहिए सरना कोर्ट चाहिए आदिवासियों के लिए। और एक सरना कोड तो मांग कर रहे हैं, 70 साल हो गए आजादी का, लेकिन सरना कोड आप लोग को नहीं मिला, किसको दोषी मानते हैं। सरकार को दोषी मानते हैं कि हम लोग को नहीं देख रहा है आदिवासी क्या है, गरीब स्थिति है बोल के हम लोग को पूछता भी नहीं है, देख भी नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग एकजुट हो गए आदिवासी और हम लोग सब मिल के जगेंगे हम लोग सोच रहे हैं। ये बताइए कि अगर जो है इस सम्मेलन के द्वारा जो है आप लोग सरकार को संदेश दे रहे हैं कि सरना कोड लागू हो, लेकिन लगता है कि सरना कोड लागू हो पाएगा करेगा, कोशिश करेगा तो कहे ना होगा सरकार, हम लोग मिल के रहेंगे तो होगा जरूर, एक साथ रहेंगे। इतना भीड़ जुटने का संभावना है आज के सम्मेलन। हम लोग तो दिए हैं 2000 कार्ड छाप के दिए हैं, अभी 2000 ज्यादा है होगा कार्ड आएंगे तो। ये थी महिला जो कह रही थी कि आदिवासी समुदाय को सरना कोड जो है लागू नहीं हो पा रहा है, सरकार से मांग कर रहे हैं और धर्म सम्मेलन और प्रार्थना सभा के माध्यम से हम सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो हक है सरना कोड, हमारा जो मूल धर्म है उनको जो है जनसंख्या में और सरकार के हर प्रकार के गजट में जो है उनको शामिल किया जाए, जिससे कि हमारा जो है एक प्रकार से कहे तो हमारा जो सम्मान है वो मिल सके। और मैं हूँ रांची के हरमू मैदान में और आज जो है आदिवासी महासम्मेलन और सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और लगातार जो है आदिवासी समुदाय सरना कोर्ट की मांग को लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन करते रहे हैं और आज इसी के अनुरूप जो है सरना कोर्ट की मांग को लेकर के है धर्म सम्मेलन और प्रार्थना सभा के आयोजन को कर करके जो है सरकार को यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आदिवासी समुदाय जो है सरना कोर्ट जो है उनके लिए अहम है और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोमेव राव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीपड़ा प्रार्थना सभा भारत। ये बताइए सर कि आज का जो आयोजन है धर्म सम्मेलन और प्रार्थना सभा, इसके माध्यम से क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं। आज का जो आयोजन है, मैं राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी हमारा जागृत हो चुका है और जिस दिन जागृति पैदा होगी, मन में इस तरह का भावना पैदा होगा, अन्यथा जागृति पैदा नहीं होने से किसी तरह का डिमांड करने का जो क्षमता होगा वो पैदा नहीं होगा, इसीलिए ये एक जन जागृति है। इस जन जागृति के द्वारा हम पूरे हिंदू भारत के लोगों को जो सरना धर्मावलंबी है, जो प्रकृति पूजक है, उन सभी में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारा समय आ गया है, तुम जाग जाओ, प्रकृति विनाश की ओर जा रही है और उस विनाश काल में हम ये आदिवासी सरना धर्मावलंबी ही इस प्रकृति के विनाश काल को बचा सकता है, इसीलिए आज जरूरत है हमारे सरना समाज को जागने की और जगाने की एक मुहिम है। ये समाज हमारा संगठित हो रहा है और ये समाज जिस दिन संगठित हो जाएगा, करीब बहुत कुछ हम करीब 50% ऊपर संगठित हो चुके हैं और थोड़े लोगों को जगाना बाकी है। जिस दिन पूरा आदिवासी सरना समाज जग जाएगा उस दिन हम
अपना जो मुहिम है ये सरना धर्म कोड लेने की या सरना कॉलम लेने की, वो सरना कॉलम हमें जरूर मिल जाएगा। ये बताइए सर कि 70 साल हो गए आजादी के, क्या कारण है कि आदिवासी समुदाय को अपना एक धर्म जो है कोड है वो नहीं मिल पाया है, किनको दोषी मानते हैं? ये 70 साल ये हमारा जो धर्म कॉलम सेंसस का कॉलम में हमारा धर्म कॉलम 1871 से चालू हुआ और 1951 तक ये रहा, लेकिन षड्यंत्रकारी सरकार हम आदिवासियों को उस कॉलम के माध्यम से हटा दिया। हमको वहाँ जो हमारा जो जगह था कॉलम में सेंसस में, वो सरकार हमें जानबूझकर हटा दिया कि क्योंकि जिस दिन आदिवासियों का सेंसस हो जाएगा, जिस दिन जनगणना हो जाएगी, उस दिन हमारा काफ़ी बड़ा आबादी है, क्योंकि हम करीब आज हम सोचें तो 20 करोड़ की आबादी है और सरकार ये चाहती है कि आदिवासी लोग हिंदू में ही मिले रहें। हम कदापि हिंदू के अनुयायी नहीं हैं, हिंदू से मेरा कोई मतलब नहीं है और हम हिंदू नहीं बन सकते। सरकार इसी षड्यंत्र के तहत उनका जनसंख्या घटने के कारण जिस दिन हमारा जनसंख्या अलग हो जाएगा उस दिन हिंदुओं की जनसंख्या घट जाएगी, इसी डर के मारे वो हमको अलग सरना कॉलम देने के में आनाकानी कर रहा है और हम संघर्ष करके हमको लेना है किसी भी हालत में सरना। ये लास्ट सवाल है कि वर्तमान में जो भी सरकारें हैं, क्या लगता है कि आपको सरना कोड जो है आपको दे देगा? सरना कोड तो देना होगा, क्योंकि हम संगठित हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी समाज जब तक संघर्ष नहीं करता है तब उसको वो चीज प्राप्त नहीं होता। हमको अभी जिस तरह से ये देरी हो रहा है, लेकिन देर अंधेर नहीं है, हम जागरूक हो जाएंगे। हम सरकार और विपक्ष और पक्ष और विपक्ष। सवाल है कि देश में 20 करोड़ आप बोल रहे हैं कि आदिवासी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सरना कोड नहीं होना चाहिए, आदिवासी कोड होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हिंदू ही होना चाहिए, कुछ लोग और कहते हैं। तो आपके समाज में जो कई प्रकार के लोग हैं वो हर प्रकार के अपनी अपनी बातों को कहते हैं, इस पर क्या कहना है आप? सरना कोई किसी जाति किसी समुदाय को इंगित नहीं करता है, सरना एक पूरे समुदाय को इस आदिवासी समाज को निर्देश करता है। सरना मतलब प्रकृति, और प्रकृति हम पूजक हैं और कोई विशेष किसी धर्म या किसी जाति को विशेष निर्भर नहीं करता है। दूसरे जैसे कि गोड़ी में वो किसी जाति गोड़ी धर्म किसी जाति विशेष को इंगित करता है, बिली धर्म किसी जाति विशेष को इंगित करता है और किसी सारी धर्म किसी संपूर्ण प्रकृति को लेकर चलता है। इसीलिए ये जो शब्द है वो बहुत सटीक है और इसी शब्द पर हम इस कॉलम की मांग को लेकर आगे चलेंगे। एक दिन जरूर समाज पूरा आदिवासी समाज समझेगा और हम इस कॉलम को लेकर रहेंगे।